हेलो दोस्तों, चलिए टैली लर्निंग में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले सेशंस में हमने पढ़ा कि टैली क्या है, टैली का यूज़ क्या है और फिर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से शुरुआत की। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने पहले के वीडियोज़ नहीं देख रखे हैं वे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, वे लोग उस लिंक को जा करके रेफर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा बेसिक टॉपिक है असेट्स। असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं और करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। असेट्स में हम बात करें तो सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं? देखो, बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें असेट्स की जरूरत होती है। ठीक बात? कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वे दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड असेट्स जिन्हें लॉन्ग टर्म असेट्स भी कहा जाता है, या करंट असेट्स जिन्हें शॉर्ट टर्म असेट्स के नाम से भी हम पढ़ते हैं। फिक्स्ड असेट्स क्या हैं? फिक्स्ड असेट्स ऐसी असेट्स जो हम ओन करते हैं। क्या करते हैं? ओन करते हैं। हमारा उस प्रॉपर्टी पर, उस असेट पर राइट है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम ओन करते हैं, जिस पर हमारा राइट है। जब हमने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया या जिस समय वो प्रॉपर्टी हमारे राइट्स में आई, हमारे अधिकार में आई, उस समय हमारा कोई इंटेंशन नहीं था उसे सेल करने का। बात समझ में आई? ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी चीजें जो हम ओन करते हैं, हमारी है, हमारे पास उसके अधिकार है, हमारा पास उसका राइट है। जब हमें वो अधिकार मिला, जब हमने उसे ओन किया, जब हमने उसे परचेज किया, तब उस समय हमारा उसको बेचने का कोई इंटेंशन नहीं था। ठीक है? नो इंटेंशन टू सेल इन इमीडिएट फ्यूचर, जिसके यूज से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, उसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनको हम ओन करते हैं, जिन पर हमारा अधिकार है, जो हमारे राइट में है, और जब हमने उन्हें परचेज किया या जब हमें उन पर अधिकार मिला, उस समय हमारा इंटेंशन उसको इमीडिएट फ्यूचर में सेल करने का नहीं था, और जिसके यूज से हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेंगे। ऐसे प्रॉपर्टी को, ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। अब आप इसको डिटेल में समझेंगे। ओन करने का क्या मतलब है? ओन करने का मतलब है कि वह हमने या तो खरीदी है, या तो हमने उसको परचेज किया है, या वो हमको लीगली ट्रांसफर हुई है। नो इंटेंशन टू सेल इन इमीडिएट फ्यूचर, मतलब जब हम उसे खरीद रहे थे, एट द टाइम ऑफ परचेज, या जब हमें उसका ट्रांसफर मिला, तब हमारा उसको इमीडिएट सेल कर देने का प्लान नहीं था। हम उसको यूज करके बिजनेस ऑपरेट करना चाहते थे और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स निकालना चाहते थे। ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसी संपत्ति को हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। ठीक है? ऐसे ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इनसे जो बेनिफिट अक्रू होते हैं, जो हम इनके यूज से जो हम बिजनेस में बेनिफिट्स लेते हैं, वे यूजुअली मोर देन 12 मंथ्स के होते हैं, 12 महीने से ज्यादा होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं अपन क्या होते हैं। सबसे पहले लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। ये प्लांट पेड़ पौधे वाला प्लांट नहीं होता है। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है, मशीनरी तो हम समझते ही हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो वहां कोई सामान बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है। कोई छोटी इंडस्ट्री होगी, कोई बड़ी इंडस्ट्री होगी, सब जगह मशीनरी इंस्टॉल होती है। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है जब बहुत सारी मशीन एक चेन में काम करती हैं, एक सीक्वेंस में काम करती हैं, तब ये जब पूरा एक सेट बनता है उन मशीनरीज का तो उसको बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, एसी, कूलर और कंप्यूटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड लाइकवाइज। ऐसे इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। हम इन एग्जाम्पल से अपनी डेफिनेशन को समझते हैं। प्रॉपर्टी, संपत्ति जिसे हम ओन करते हो, मतलब या तो हम इनको खरीद के लाए होंगे या ये हमारे अधिकार क्षेत्र में होंगे। दूसरा, जब खरीद रहे थे तब इमीडिएट सेल कर देंगे का इंटेंशन नहीं था। ठीक है, मतलब हम प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि इसको कल बेच देंगे। अगर इस इंटेंशन से खरीद रहे थे तो उसका क्लासिफिकेशन अब बदल जाएगा। अगर खरीदते समय आपका इंटेंशन इमीडिएट फ्यूचर में सेल करने का नहीं है तो ही वो फिक्स्ड एसेट में क्लासिफाई होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमने ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति, ये एसेट्स इसलिए खरीदी थी या अधिकार क्षेत्र में आई थी कि हम इससे बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, इसके यूज से बिजनेस ऑपरेट करके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करेंगे। ये होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। अब इसके साथ अगला क्या? अगला है करंट एसेट्स।